Assalamu alaikum viewers, hope you are well. Welcome to my YouTube channel Sunshine. Today in this video we are going to discuss the NPC system of classification of pollen ant spore. So first of all we will start with its introduction. What is NPC classification system? It is an artificial system of classification of pollen ant spore. इसकी बेसिस क्या है, किस बेस पे ये सिस्टम बनाया गया? अपर्चर के फीचर्स की बेसिस पे ये सिस्टम बनाया गया. और वो फीचर्स कौन कौन से थे? नंबर वन इज नंबर ऑफ द अपर्चर, नंबर सेकंड इज पोजीशन ऑफ द अपर्चर, एंड नंबर थर्ड इज द कैरेक्टर ऑफ द अपर्चर. अर्टमैन एंड स्ट्राका ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1961 में इस सिस्टम को प्रपोज किया था. और इसकी सिंप्लिसिटी की बेस पे तमाम पैलियोलॉजिस्ट ने इस सिस्टम को एक्सेप्ट किया था. According to NPC system, each pollen grain has an arithmetic cardinal number consisting of 3 digits. Yani har pollen grain ke 3 digits hote hain jo ki indicate karte hain uske aperture ke features ko. Aur ye aperture ke features further hame ye identify karne mein, ye classify karne mein help karte hain ki ye kis family ya group se, kis plant ki family ya group se belong karta hai. इसके साथ साथ अगर हम वन बाय वन डिस्कस करें तो जो फर्स्ट डिजिट है वो क्या इंडिकेट करता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि अपर्चर मौजूद है भी कि नहीं, ठीक है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द अपर्चर. दूसरी बात ये कि अगर अपर्चर मौजूद है तो उसके नंबर क्या है, यानी किस अमाउंट में वो पोलन ग्रीन के ऊपर मौजूद है. जो सेकेंड डिजिट पी है एन पी सी में, जो सेकेंड डिजिट पी है इट स्टैंड फॉर पोजिशन ऑफ अपर्चर, यानी अपर्चर खा डिस्टल एंड पे मौजूद है, प्रॉक्सिमल एंड पे मौजूद है, लैटिट्यूडनल एंड पे, मेरिडोनियल एंड पे, इक्वेटोरियल एंड पे, यानी ये तमाम साइड्स हैं पोलन के ऊपर मौजूद, तो इनमें से किस साइड पे अपर्चर मौजूद है. इसके साथ साथ जो माइक्रोस्पोर्स या पोलन होते हैं वो अगर टेट्राड की सूरत में हो तो हमारे पास अपर्चर्स की पोजिशन की मज़ीद क्लैरिटी हो जाया करती है. क्योंकि डिस्पर्सल से पहले जो पोलन्स हैं वो अमूमन दूसरे पोलन्स के साथ एसोसिएशन में होते हैं या फिर दो की फॉर्म में होते हैं, तो हमारे पास एक लीड, एक मार्क अपीयर हो रहा होता है सिंगल लाइन में. अगर हमारे पास वो तीन के फॉर्म में होते हैं तो हमारे पास जो है उसको हम ट्रायड बोलते हैं, ठीक है, और जो मार्क है वो इंडिकेट कर रहा होता है एक पोलन के ऊपर कि ये फर्दर दो मज़ीद पोलन्स के साथ एसोसिएशन में रह चुका है. जबकि टेट्राड की सूरत में एक ट्राइलीट मार्क बनता है जो कि हमें इंडिकेट करता है कि टेट्राड जो है ग्रुपिंग से बाहर आया है, सेपरेट आउट हुआ है. अच्छा जी, इसके अलावा जो थर्ड डिजिट है वो हमारे पास क्या इंडिकेट करता है? कैरेक्टर ऑफ एन अपर्चर को. देखो कैरेक्टर से मराद कि हमारा अपर्चर ओवल इन शेप है, एलोंगेटेड है, ओवल हो, कम्प्लीटली ओवल या सर्कुलर हो तो हम उसके लिए पोर की टर्म यूज़ करते हैं, एलोंगेटेड हो स्लिट की तरह तो हम उसके लिए कॉल्पी की टर्म यूज़ करते हैं. इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारा पोलन ग्रेन सिंपल है या कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है, एक्सेट्रा. अच्छा, इसी बेसिस पे एन फॉर नंबर ऑफ अपर्चर, पी फॉर पोजिशन ऑफ अपर्चर, सी फॉर कैरेक्टर ऑफ अपर्चर, इसी बेसिस पे हमारा एनपीसी क्लासिफिकेशन सिस्टम कंपोज किया गया है. अब हम वन बाय वन ईच क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे, यानी उस फीचर को डिस्कस करेंगे अपर्चर के जिसकी बेसिस पे हमने ये क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया. सो नंबर वन वॉज एन. जैसा कि हम बता चुके हैं कि एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ अपर्चर, तो अगर किसी पोलन ग्रेन के ऊपर अपर्चर मौजूद ही नहीं है तो हम उसे इन अपर्चरेट या ए अपर्चरेट कहेंगे. ए स्टैंड्स फॉर नथिंग और एब्सेंस. और अगर हमारे पास एक पोलन के ऊपर अपर्चर मौजूद है तो हम उसे अपर्चरेट पोलन कहेंगे. तो स्टार्टिंग फ्रॉम अपर्चरेट पोलन हम एन वन से एन सेवन तक फर्दर ग्रुपिंग करते हैं. एन वन क्या इंडिकेट कर रहा है? एक अपर्चर है. एन टू इंडिकेट कर रहा है दो अपर्चर हैं. एन थ्री इंडिकेट करेगा तीन अपर्चर्स मौजूद हैं एक पोलन ग्रेन के ऊपर. एंड अप टू सो ऑन, यानी सेवन या मोर होंगे तो हम एन सेवन के टर्म यूज़ कर देंगे. इसके साथ साथ हम कुछ साइंटिफिक टर्म्स भी यूज़ करते हैं. यानी ये जो एन वन है ये क्या रेफ़र कर रहा है कि ये मोनोट्रीम है. ट्रेमा बेसिकली एक ट्रीम जो है वो ट्रेमा एक ग्रीक वर्ड से निकला है जिसकी मीनिंग भी होल ओपनिंग या अपर्चर के ही होते हैं. अच्छा जी, अब जो जिसके ऊपर एक सिंगल ओपनिंग सिंगल अपर्चर है उसके हम मोनोट्रीम कह सकते हैं. जिसके ऊपर दो ओपनिंग्स हैं दो अपर्चर्स हैं डायट्रीम, देन ट्राईट्रीम फॉर थ्री, टेट्राट्रीम फॉर फोर, पेंटाट्रीम फॉर फाइव, हेक्साट्रीम फॉर सिक्स, एंड पॉलीट्रीम फॉर मोर देन सेवन और मोर देन सेवन. देयर आर पोलन ग्रेन्स वेयर अपर्चर्स आर एब्सेंट, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, उन्हें हम ए ट्रीम या इन अपर्चरेट कहते हैं. और सिंबल हम एन नॉट का यूज़ करते हैं.
और जो लास्ट हमारे पास ग्रुप है वो N8 का है, जिसे हम ए नोमोट्रीम कहते हैं। ए नोमोट्रीम का क्या केस होता है कि इसमें पोलन ग्रेन या स्पोर के ऊपर जो अपर्चर्स होते हैं वो इररेगुलर इन फॉर्म होते हैं, इररेगुलरली स्पेस्ड अपार्ट होते हैं। अब आप डायग्राम देखिए, N1 से N7 जो है वो नोमोट्रीम में लाए करते हैं। नोमोट्रीम यानी अपर्चर मौजूद है। मोनो के केस में 1, डाई के केस में 2, ट्राई के केस में 3, टेट्रा के केस में 4 अपर्चर्स, पेंटा के केस में 5, हेक्सा के केस में 6 इंडिकेटिंग विद N6 एंड 7 और मोर के केस में पोलीट्रीम। और जो N0 है उसके ऊपर आप देख सकते हैं कोई अपर्चर नहीं है। और जो N8 है उसमें जो अपर्चर्स हैं वो इररेगुलरली स्पेस्ड अपार्ट हैं। अब हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ अपर्चर बेस्ड ऑन पोजीशन की, तो P ही बेसिकली पोजीशन ऑफ अपर्चर को डिनोट कर रहा था या इंडिकेट कर रहा था। और पोजीशन में हम क्या देखते हैं कि प्रॉक्सिमल एंड पे मौजूद है अपर्चर या डिस्टल एंड पे या फिर इक्वेटोरियल एंड पे। तो यहाँ पर भी हम फर्दर जो ग्रुपिंग करते हैं पोजीशन की बेसिस पे वो P0 से P6 की जानब है। P0 क्या इंडिकेट करता है, जब हमारे पास पोजीशन सर्टन ना हो, क्लियर ना हो रही हो, तो हम P0 की टर्म यूज़ करते हैं अपर्चर की पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए। अगर हमें मौजूद अपर्चर के मतलब इल्म हो जाए कि ये प्रॉक्सिमल एंड पे मौजूद है, प्रॉक्सिमल एंड कौन सा एंड होता है, पोलन ग्रेन या स्पोर का वो एंड जो कि जब वो अटैच था डिस्पर्सल से पहले, तो अटैचमेंट साइड की तरफ वाला एंड यानी दूसरे पोलन्स को जो डायरेक्टली फेस कर रहा था, इनर साइड ऑफ द पोलन ग्रेन, वो जो है वो उसका प्रॉक्सिमल एंड कहलाते हैं। और आगे हम डिस्कस करेंगे इसी का जो ऑपोजिट होता है ना, प्रॉक्सिमल फेस का जो ऑपोजिट फेस होता है वो डिस्टल फेस कहलाता है। तो जो प्रॉक्सिमल फेस पे मौजूद अपर्चर है उसके लिए हम साइंटिफिकली कैटाट्रीम की टर्म यूज़ करते हैं और सिंबल P1 यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ जो P2 है इसमें क्या होता है, एनाकैटाट्रीम की कंडीशन होती है। एनाकैटाट्रीम अपर्चर्स बेसिकली 2 हैं, लेकिन एक अपर्चर प्रॉक्सिमल पोल पे मौजूद है, दूसरा अपर्चर उसके ऑपोजिट डिस्टल पोल पे मौजूद है। डिस्टल पोल इन्होंने वही मेंशन किया है, डिफाइन किया है कि टेट्राड में सेंटर से जो ऑपोजिट पोल होता है, ऑपोजिट साइड होती है, वो प्रॉक्सिमल पोल के ऑपोजिट साइड जो होती है वो डिस्टल पोल या डिस्टल पार्ट ऑफ द पोलन ग्रेन कहलाता है। और एनाकैटाट्रीम में प्रॉक्सिमल के साथ साथ डिस्टल पे भी एक अपर्चर मौजूद है सेपरेटली। जो P3 ग्रुप है उसमें हमारे पास एक अपर्चर मौजूद है, लेकिन वो अब इस केस में डिस्टल एंड पे मौजूद है। P4 की बात करें तो हमारे पास इक्वेटोरियल या सब इक्वेटोरियल जोन में जो है अपर्चर्स मौजूद हैं। P6 की बात करें तो वो हम P5 के बाद करेंगे। P5 का पहले देख लीजिए डाई जोनो डायग्राम, भी साथ फोकस में रखिए कि हमारे पास जो इक्वेटर है उससे पैरेलल ही ऊपर नीचे दो जोन्स बन रहे हैं जिसमें अपर्चर्स लाए कर रहे हैं। और पेंटो में हमारे पास न्यूमरस अपर्चर्स हैं जो कि स्कैटर्ड हैं पोलन ग्रेन की सरफेस के ऊपर। ओके, सो आप डायग्राम भी देख सकते हैं कि पहले कैटाट्रीम यानी प्रॉक्सिमल एंड पे एक हमारे पास अपर्चर मौजूद है। एनाकैटाट्रीम पे प्रॉक्सिमल के साथ साथ डिस्टल एंड पे भी एक ओपनिंग या अपर्चर मौजूद है। एनाट्रीम में सिर्फ डिस्टल एंड पे मौजूद है, जोनोट्रीम में इक्वेटर पे लाए कर रहा है, और डायजोनोट्रीम में पैरेलल टू इक्वेटर दो जोन्स बन रहे हैं। और पैंटोट्रीम में हमारे पास जो है अपर्चर्स ओवरऑल सरफेस ऑफ पोलन ग्रेन पे स्कैटर्ड हैं यूनिफॉर्मली। Now we are going to discuss the classification of apertures based on character. तो position के basis पर हमने classification देख ली, number के basis पर हमने classification देख ली, अब हम character के basis पर aperture की classification या further description देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर भी further grouping की हुई है 7 में C0 to C6, जिसमें C0 क्या indicate करता है कि character well established नहीं है। तो आप certainty के साथ नहीं कह सकते कि क्या character है, तो उसके लिए जब आपको character clear ना हो रहा हो तो आप उसे C0 group में डाल देते हैं बेसिकली। अगर आपके पास एक थिन स्पेस मौजूद हो पोलन ग्रेन के ऊपर, तो उसे आप C1 ग्रुप में डालते हैं सिंगल थिन स्पेस के केस में, और उस स्पेस को हम लेप्टोमा कहते हैं। अच्छा जी, लेप्टोमा थिन एरिया है जो कि अपर्चर की तरह का ही होता है, और फंक्शन भी उसका अपर्चर जैसा ही होता है। अच्छा जी, अब अगर ये एक तादाद में है, मतलब अमाउंट में 1 लेप्टोमा मौजूद है, थिन स्पेस 1 मौजूद है, तो उसके लिए हम मोन लेप्ट की टर्म यूज़ करेंगे साइंटिफिकली। लेप्टोमा अगर ऑन आइदर प्रॉक्सिमल और डिस्टल फेस ऑफ अ पोलन ग्रेन एंड स्पोर एंड अकॉर्डिंगली टर्म्ड एज स्कैटरलेप्टर एनालेप्ट, यानी लेप्टोमा जो थिन स्पेस है वो भी प्रॉक्सिमल या डिस्टल किसी भी एंड पे हो सकती है, और एंड को इंडिकेट करने के लिए आप क्या करेंगे, कैटा या एना की टर्म यूज़ कर लेंगे, जैसे कि आप प्रीवियसली पोजिशन में देख कर आए हैं कि हमने कैटा की टर्म यूज़ की थी प्रॉक्सिमल के लिए, और एना की टर्म यूज़ की थी डिस्टल एंड के लिए। तो वैसे ही आप लेप्टोमा में भी
कैटालेप्ट या एनालेप्ट की टर्म यूज़ करेंगे अपर्चर की पोजीशन बताने के लिए। अच्छा जी, और ये अपर्चर भी एक ख़ास शेप का है, थिन एरिया है। ओके, सी टू ग्रुप की बात करें तो इसको साइंटिफिकली ट्राइकोटोमोकॉल्पेट कहते हैं। ट्राइकोटोमोकॉल्पेट यानी ट्राई फॉर थ्री पार्ट्स और डिप्रेशंस, यानी तीन कट्स, डिप्रेशंस या फरोज मौजूद होती हैं इस केस में। यानी आप कह सकते हैं कि एक अपर्चर जो है थ्री में ब्रांच्ड हुआ होता है, जैसे एक वाई मार्क होता है, ठीक है। वाई की आप शेप मद्देनज़र रखें तो उसके भी तीन आर्म्स होते हैं, बिल्कुल उसी तरह। और आर्म्स की जो लेंथ है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू देयर ब्रेथ। ट्राइकोटोमोकॉल्पेट पोलन एंड स्पोर्स हैविंग अपर्चर्स ऑन प्रॉक्सिमल फेस आर टर्म्ड एज़ ट्राइलीट। अच्छा जी, हमने इसको डिस्क्राइब कर लिया कि हमारे पास अपर्चर थ्री ब्रांच में होता है, और लेकिन इसको हम सिंपली क्या कह सकते हैं, अगर ये प्रॉक्सिमल पोजीशन पे तो हम इसे सिंपली ट्राइलीट भी कह सकते हैं, या ट्राइलीट के अलावा बाय मार्क भी हम इसके लिए टर्म यूज़ करते हैं। जो C3 टाइप के पोलन ग्रेन होते हैं उनका क्या फीचर होता है कि उनमें एक कॉल्पी स्लिट लाइक ओपनिंग मौजूद होती है। जो C4 टाइप के पोलन ग्रेन्स होते हैं उनमें एक पोर मौजूद होता है सेंटर में, लेकिन कॉल्पी जो है आप डायग्राम में भी देख सकते हैं एलोंगेटेड इन नेचर है, ठीक है। और पोर जो होता है वो सिंपल ओवल या सर्कुलर इन नेचर होता है, शेप होता है। जो फिफ्थ ग्रुप है C5, उसमें हमारे पास कॉल्पी के साथ साथ पोर मौजूद होता है, इसलिए हम कॉल्पोरेट की टर्म यूज़ करते हैं। जबकि C6 में हमारे पास मोर देन वन पोर्स होते हैं, तो इसके लिए हम पोरोरेट की टर्म यूज़ करते हैं। ओके, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कॉल्पस को सेपरेटली ड्रॉ किया हुआ है, एक स्लिट, एलोंगेटेड स्लिट की सूरत में। पोरस को कम्प्लीटली राउंड और सर्कुलर इन शेप शो किया गया है। कॉल पोरस को या कॉल पोरेट, जिसके लिए हमने टर्म प्रीवियसली यूज़ की थी, इसमें कॉल्पी सेंटर में और साइड स्पेस पे पोर्स भी मौजूद हैं। और पोरोरेट में क्या होता है, सेंटर में एक सर्कुलर पोर है और उसको सराउंड किया हुआ है स्मॉल लिटल पोर्स ने। तो ये फर्दर ब्रीफिंग दी गई है हमारे पास, ये कैरेक्टर की बेस पर टॉपर्ट्री की क्लासिफिकेशन है। अब हम कुछ मैरिज डिस्कस करते चलें NPC क्लासिफिकेशन के। तो वो सबसे पहले यही बात कि एक सिंपल क्लासिफिकेशन सिस्टम है जिसमें अपर्चर्स को अच्छे से जो है इलस्ट्रेट किया गया है, और NPC की मदद से हम टेरिडोफाइटा, मोनोकोटिलेटन, डाइकोटिलेटन के दरमियान कुछ हद तक डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। जैसे टेरिडोफाइटा के जो पोलन ग्रेन्स हैं उनके करेक्टरिस्टिक फीचर्स अब हमें क्या पता चले हैं कि वो मोनोलीट इन नेचर होते हैं, और यानी इनके पर एक सिंगल मार्क होता है, या फिर वो ट्राइलीट वाई मार्क होता है इनके पोलन्स या स्पोर्स में यूजली। इसके साथ साथ जो मोनोकोट्स होते हैं वो इनअपर्चुरेट होते हैं, कोई अपर्चर नहीं पाया जाता उनमें, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो उन्हें डिस्पर्सल में हेल्प करता है, और इसके साथ साथ सिंगल पोर मौजूद होता है। डायकॉट्स की बात करें तो कुछ एक्सेप्शंस पाई जाती हैं, लेकिन जनरली उनमें थ्री मेरिडोनियल फरोज पाई जाती हैं, और बहुत सारे अपर्चर्स, न्यूमरस अपर्चर्स उनकी सरफेस में मौजूद होते हैं, इसलिए हम उनके करेक्टरिस्टिक फीचर में पोली अपर्चुरेट की टर्म यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हमें जो अननाउन स्पोरोमॉर्फ्स मिलते हैं, स्पोर्स एंड पोलन्स मिलते हैं, उनको हम क्लासिफाई कर लेते हैं, उनकी फीचर्स को डीपली एनालाइज करके, स्टडी करके, माइक्रोस्कोप के अंडर हमें आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन में हेल्प आउट हो जाती हैं, हेल्प मिल जाती हैं। दस वी कैन से NPC मेक्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ अपर्चर्स प्रीसाइज। इसके अलावा जो NPC है ये हमारे पास, ये तो माना जाता है कि ये प्राइमरी क्लासिफिकेटरी कैरेक्टर की बेसिस पे हम अपर्चर्स को जो है स्टडी कर रहे हैं, इलस्ट्रेट कर रहे हैं, और उसकी बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं चीज़ों को, पोलन ग्रेन्स को बेसिकली, और उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। लेकिन अगर इसके साथ साथ हम पोलन ग्रेन्स के और फीचर्स देखें जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, कि एग्जाइन की जो ऑर्नामेंटेशंस होती हैं या ओवरऑल शेप एंड साइज ऑफ द पोलन ग्रेन, तो इसकी मदद से भी हमें फर्दर नैरो डाउन होने में हेल्प मिलेगी कि हम एग्जैक्टली स्पीशी या जीनस तक पहुँच पाएंगे। लेकिन NPC की भी मदद से और मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स की मदद से हम बहुत से जो पोलन ग्रेन्स एंड स्पोर्स हैं उनका आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि वो किस जीनस या स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। अब हम ब्रीफली डीमेरिट्स ऑफ NPC क्लासिफिकेशन डिस्कस करें तो नंबर वन इज़ कि ये आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, जो कि हमने इसकी डेफिनेशन में डिस्कस किया था। दूसरा इसका ड्रॉबैक ये है कि ये सिनकॉल्पेट या पैरासिनकॉल्पेट जो पोलन ग्रेन्स हैं उनको आप NPC के थ्रू जो है क्लासिफाई नहीं कर सकते। तीसरी बात ये कि ऐसे पोलन ग्रेन्स जो एग्रीगेट्स में एग्जिस्ट करते हैं टेट्रार्ड्स की सूरत में, जैसे एरिकेसी, टाइफेसी, पोलियाड्स फैमिलीज में जो एग्जाम्पल्स आती हैं स्पीशीज़ की, ऑर्किडेसी एंड मेमोसा, तो इनके पोलन्स एंड स्पोर्स को भी आप NPC की मदद से ग्रुपिंग नहीं कर सकते।
तो ये उसके इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। अदरवाइज जो प्राइमरी क्लासिफैक्ट्री सिस्टम के तौर पे हम देखें तो ये ऑल ओवर द पैलिनोलॉजिस्ट जो है एक्सेप्टेबल सिस्टम है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होप यू हैव अंडरस्टैंड ऑल द कंसेप्ट ऑफ एनपीसी क्लासिफिकेशन सिस्टम वेरी वेल। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव स्टफ। हैव अ गुड डे। स्टे ब्लेस्ड।